आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबार। अभी हमारे साथ मौजूद हैं JGB के प्रदेश प्रवक्ता। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से अभी नवीन जयहिंद ने अपनी सिक्योरिटी लौटाने की जो बात कही है, क्या आप सही मानते हो? चीज़ देखिए, हमारा ये मानना है, चाहे जननायक जनता पार्टी की बात हो या आम आदमी पार्टी की, कि हम सभी आम आदमी हैं और आम आदमी की तरह ही रहना चाहिए। जो भी नेता हैं, प्रतिनिधित्व जो अपने समाज का करते हैं, चाहे कोई सांसद हो, विधायक हो, उनको आम आदमियों की तरह रहना चाहिए। हमारा ही मानना है कि हमने कोई ऐसे काम नहीं किए कि हमें किसी से खतरा हो। और सबसे बड़ी बात यह, खतरा अगर है कहीं तो इस देश को खतरा है, माँ बहन को खतरा है, हमारी बहन बेटियाँ जब घर से बाहर निकलती हैं आज उनके लिए खतरा है। अगर सुरक्षा देना चाहती है सरकार तो उनको दे, क्योंकि सबसे ज़्यादा असुरक्षित वो हैं। सबसे ज़्यादा गैंगरेप इस हरियाणा प्रदेश में होते हैं, सबसे ज़्यादा डकैतियाँ यहाँ होती हैं, सबसे ज़्यादा लूटपाट यहाँ होती है। अभी 15 दिन पहले हमने देखा NIT में गला रेत कर एक नौजवान की हत्या सरेआम दिन दहाड़े कर दी गई। तो आम आदमी को सुरक्षा की ज़रूरत है, हर एक व्यक्ति को। जब तक आम आदमी सुरक्षित नहीं है, एक एक आदमी सुरक्षित नहीं है इस प्रदेश का, इस शहर का, तब तक सुरक्षा लेने का कोई औचित्य नहीं बनता। और जो ये लोग, चाहे अवतार सिंह भड़ाना हो, कृष्ण पाल गुजर हो, आप देखें कई कई गनमैन आगे पीछे इनके घूमते हैं, किस वजह से, क्या ज़रूरत है इन्हें? तो ये कहीं ना कहीं ये जो VIP जो कल्चर है, जिसको खुद मोदी जी कहते थे कि मैं ख़त्म करूँगा, इन्होंने रेड लाइट और जो लाल बत्तियाँ जो गाड़ी मिलती थी मंत्रियों को, विधायक सांसदों को, वो ख़त्म की, परंतु ये कल्चर तो ख़त्म नहीं कर पाई। ये तो सिर्फ एक ड्रामेबाजी थी। इनके मंत्रियों को देखें, अवतार भड़ाना जब भारतीय जनता पार्टी में थे तब से उन्हें कमांडो मिले हुए हैं, जबकि वो तो सिर्फ एक विधायक थे, उन्हें कमांडो किस आधार पर? आज भी है यही हाल कृष्ण पाल जी का है, वो भी पूरी सिक्योरिटी का अमला लेकर घूमते हैं, जबकि ज़रूरत आज सुरक्षा की आम आदमी को है, महिलाओं को है, बहन बेटियों को है, उनकी सुरक्षा की परवाह नहीं करते। इन्हें सिर्फ अपनी सुरक्षा चाहिए, अपनी जो इनकी हवाबाजी है वो ये करने के लिए सब नौटंकी ड्रामेबाजी करते हैं। हमें इस सब की ज़रूरत नहीं है, हम तो आम आदमी के एक हिस्सा हैं, तो आम आदमी के बीच में अकेले रहेंगे जब ज़्यादा अच्छे रहेंगे। अगर ये गनमैन और ये सब लेके जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम भी इन्हीं की तरह आम आदमी, एक आम नागरिक जो, उससे दूर हो जाएंगे। नहीं, आपने बात की है आम आदमी की, कि आम आदमी को सुरक्षा चाहिए, तो अपने आप को आम आदमी नहीं मानते हो? नहीं, हम अपने आप को आम आदमी तो मानते हैं, परंतु जब और जो आम आदमी है, आम नागरिक जो है, बाहर रोड पर जो आपको चलते दिख रहे हैं, जब उन्हें सुरक्षित नहीं है तो हम अपने आप को खास क्यों बनाएं? जैसे हमें सुरक्षा की ज़रूरत है, ऐसे उन्हें भी तो है। आप पहले उन्हें भी दीजिए, हर आदमी को सुरक्षित कीजिए ना, सरकार का फर्ज बनता है। पूरे 5 साल आपकी प्रदेश में और देश में सरकार रही, अगर एक आम आदमी को, एक आम नागरिक को आप सुरक्षा तक मुहैया नहीं करा पाए तो क्या फ़ायदा आपका सरकार में बने रहने का? दोबारा जो चुनाव जो लड़ रहे हैं कृष्ण पाल गुर्जर जी, ये किस मुँह से लड़ रहे हैं? पहले तो इन्हें जवाब देना चाहिए कि फरीदाबाद के लिए क्या किया। हम भूले नहीं है फरीदाबाद में, जिस तरह से ओल्ड फरीदाबाद पे नेशनल हाईवे पे दिन दहाड़े एक बेटी का अपहरण हुआ था और बाद में वो सीकरी के हैं जब पास जाकर बरामद हुई थी। तो ये सब चीज़ें भूला नहीं है ये शहर। इसलिए अगर सुरक्षा आप देना चाहते हैं तो पहले इस शहर के और लोकसभा फरीदाबाद के एक एक नागरिक को सुरक्षित करने का काम कीजिए, तब हम अपने आप को सुरक्षित मानेंगे, तब हम मानेंगे कि हमें भी सुरक्षा की जरूरत है, वरना ये सब बातें खोखली हैं, ढकोसला, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। आज जिस तरीके से लड़की सुरक्षित नहीं है, क्या मानते, क्या कुछ कारण रहे होंगे जिसके कारण आज लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं? नहीं, सुरक्षित माहौल नहीं है। सबसे बड़ी बात यह, सरकार की नीयत ठीक नहीं है। जब सरकार ये चाहेगी कि हमारा जो शहर है, हमारा क्षेत्र है, हमारा प्रदेश सुरक्षित हो, और उसके लिए वो सच्चे मन से कार्रवाई करें, दिल के साथ वो लग के कोई सुधार करना चाहें, तब सुधार होगा। ऐसे सिर्फ बातें कर देने से या चुनावी घोषणा पत्र में एक लाइन सुरक्षा को जोड़ देने से सुरक्षित नहीं होता। इन्होंने किया क्या? इन्होंने वादा किया था हम CCTV कैमरे लगाएंगे, कहाँ लगे? फरीदाबाद का ऐसा कौन सा कस्बा है, कौन सा सेक्टर है जहाँ सरकार की ओर से, या कौन सा बाजार है जहां सरकार की ओर से CCTV कैमरे अगर लगे हैं कहीं, तो लोगों ने अपनी मर्जी से, अपनी जेब से पैसे खर्च करके लगाए, सरकार ने कहीं कोई प्रयास नहीं किया। इन्होंने कहा था जितनी भी हरियाणा रोडवेज की बसें हैं, हम उन सभी में CCTV कैमरे और गार्ड नियुक्त करेंगे ताकि उनमें छेड़खानियां ना हो, किसी को दिक्कत ना हो। कहां है वो बसें? आप एक भी बस दिखा दीजिए जिसमें CCTV कैमरे और गार्ड नियुक्त हो। तो ये सब बातें इनकी ढकोसला है, जुमलेबाजी है, जिसे बाद में खुद कह देते हैं तो सिर्फ जुमला था। इन्होंने कुछ नहीं किया, चाहे फरीदाबाद की बात हो या हरियाणा प्रदेश की बात हो। और सिर्फ सुरक्षा की बात नहीं है, आप और किसी विषय पर आ जाइए, ये बड़खल को झील
में पानी भरने की बात थी, सीमा त्रिखा जी और कृष्णपाल गुर्जर जी ने वादा किया था। आज 4.5 साल हो गए सीमा त्रिखा जी को बने हुए, इनको कृष्णपाल जी को तो पूरे 5 साल होने को है। बताइए एक बूंद पानी भी अगर बड़खल झील में किसी ने देखा हो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ से राजनीति करना चाहते हैं। एक बार तो इनका जो झूठ है वो सिरे चढ़ गया था, जनता उसके बहकावे में आ गई। अब कोई बहकावे में आने वाला नहीं है, सबको इनकी सच्चाई पता है और इनको जवाब आप देखना 12 तारीख को मिल जाएगा। 23 तारीख को जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन इन्हें पता चल जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ झूठ से राजनीति नहीं चलती, आपको असल में काम करने होते हैं, उसी से जनता आपको दोबारा चुनकर भेजे। अभी अवतार सिंह भड़ाना ने कल एक उनका प्रोग्राम था उसमें कहा कृष्णपाल गुर्जर सुपारी किलर हैं, आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, ये उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी है। देखिए इतने हल्के शब्दों का प्रयोग हम किसी के लिए नहीं करते, ये हमारा एक कल्चर नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है, हमारे संस्कार ऐसे नहीं है। परंतु हाँ, अगर उन्होंने कहा है ऐसे कोई शब्द तो वो उन्हें हो सकता है उनके पास कोई सबूत हो, और सबूत हैं तो उन्हें जाहिर कर देने चाहिए क्योंकि पहले वो एक ही पार्टी में साथ रहे हैं, हो सकता है उन्होंने मिलकर कोई ऐसे काम करे हों, अगर किए हैं तो फिर उसके सबूत लाएँ। अवतार सिंह भड़ाना को ये चैलेंज मैं करता हूँ, वो सबूत लाएँ और साबित करें, सिर्फ आरोप क्यों लगा रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर सबूत है तो वो फिर कृष्णपाल जी को बचाना चाह रहे हैं, और अगर सबूत नहीं है तो फिर ऐसे आरोपों का कोई आधार नहीं है, फिर तो तथ्यहीन बातें, इनका कोई फायदा नहीं। एक टिप्पणी और उन्होंने की थी कि प्रधानमंत्री और खट्टर जी की बात की जाए, सीएम की, उनके अंदर थोड़ी सी भी साख बची है तो वो कृष्णपाल गुर्जर के प्रचार करने के लिए ना आए। नहीं, अवतार सिंह भड़ाना जी की क्या मनोदशा है मैं नहीं समझ सकता। बेचारे भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आए, वहाँ टिकट नहीं मिला, जैसे तैसे टिकट ली, अब जो भी वो सोच रहे हैं वो उनकी अपनी स्थिति है। परंतु कृष्णपाल गुर्जर जी की आज ये दशा है कि वो जहाँ भी खुद भी अगर कहीं भाषण देने खड़े होते हैं तो वो यही कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री देश का बनाइए। वो अपने लिए क्यों नहीं मांगते, वो ये क्यों नहीं कहते कि मैंने 5 साल में ये फलाने ये काम किए और इसके आधार पर आप मुझे वोट दीजिए, क्योंकि ये खुद भी वो स्वीकार करते हैं कि उनके काम के आधार पर या उनका जो 5 साल का जो टेन्योर रहा उसके आधार पर उन्हें कोई वोट नहीं देगा। और सच्चाई ये है, इसीलिए वो खुद भी नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, जबकि उन्हें स्थिति का पूरी तरह अवगत नहीं है। आप वहाँ बनारस में जाकर देखिए, वो हमारे जो पूर्व सैनिक हैं राम बहादुर जो यादव जी जो चुनाव लड़ रहे थे, वो जब चुनाव वहाँ लड़ने गए तो उनका नॉमिनेशन भी सरकार ने एक साजिश रच के उसे कैंसिल करा दी, क्योंकि उनकी हवा ख़राब हो गई थी वहाँ मोदी जी की। तो ये जो इनकी हवा जो ये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की हवा है, ये सिर्फ कागजी हवा है, इससे टीवी चैनलों तक या सोशल मीडिया तक है, मतलब जो जिस तरह से दिखाया जा रहा है, बाकी है नहीं, जमीनी आधार नहीं है, इन्हें पता चल जाएगा अपनी सच्चाई। बिल्कुल बिल्कुल। प्रधान जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, अभी हाल फिलहाल में JJP और आपने जो एक रोड शो किया था, केजरीवाल जी आए थे दिल्ली के CM और दुष्यंत जी साथ में रहे थे, तो उससे जनता पर कुछ इफेक्ट पड़ा है उन चीज़ों का? नहीं, जनता पर उसका प्रभाव पड़ा जी, सभी 36 बरादरियों का सहयोग रहा है। और उस दिन तकरीबन रात के 10 बजे तक हमारे दोनों नेताओं ने भरपूर समर्थन मिला है, कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी, आम आदमी बड़े सुख में जीवन बीतेगा उसका, 36 बरादरी खुश रहेगी और रोजगार मिलेगा, यही हमारी पार्टी की योजना है। अभी जिस तरीके से आम आदमी की बात करता हूँ मैं, दिल्ली में वो लगातार कहते हैं, नवीन जयंत भी, कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में स्कूल की जो हालत है आज सुधार दी है, कॉलेज की हालत सुधार दी है, कानून व्यवस्था की, उसके फरीदाबाद की अब लोकसभा में आ जाता हूँ तो यहाँ पे किसान ज़्यादा हैं, तो किसानों के लिए क्या कुछ मास्टर प्लान बनाया हुआ है? किसानों के लिए हमारी सरकार आएगी, आदरणीय दुष्यंत जी CM बनेंगे, तो अगर किसानों की फसल नष्ट होती है तो कम से कम 20,000 रुपये मुआवजा मिलेगा किसानों के लिए। हमारी तो किसानों की सरकार बनेगी, क्योंकि खुद दुष्यंत जी जो है किसानों के मसीहा हैं, उनके दादाजी देश के उप प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने किसानों के बारे में सब कुछ बताया उनको। तो अभी इस तरीके से JJP NLO से अलग हुई है, अभी जींद में चुनाव थे तो वहाँ पर NLO की इतनी खस्ता हालत आज तक नहीं देखी, उनको 3,500 वोट मिले, क्या कुछ कारण रहे? उसमें जो NLO पार्टी का जो कैडर बेस वोट था वो सारा की सारा वोट जो है अब JJP की तरफ ट्रांसफर हो गया, क्योंकि आज का युवा है, हमारी बहन बेटियां हैं, सभी जो है बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, सभी एक जो है युवा मुख्यमंत्री चाहते हैं और प्रदेश के लिए सबसे उपयुक्त, सबसे उचित, सबसे बढ़िया, मिलनसार, व्यवहार कुशल मुख्यमंत्री के रूप में जनता दुष्यंत चौटाला जी को चाहती है। आपको लगता है कि बसपा कहीं ना कहीं रेस में है मनदीप सिंह मान? नहीं, बसपा का कोई जनाधार नहीं है,
यहाँ पे जो है हमारे नवीन जैन जी कैंडिडेट जो हमारे हैं, जो जॉइंट उम्मीदवार संयुक्त उम्मीदवार हैं, दोनों पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता मिलकर जो कार्य कर रहे हैं और हमारी जीत होगी इसमें। अगर नवीन जैन यहाँ से जीतते हैं तो फरीदाबाद की कौन सी ऐसी जो 5 जो मेन प्रॉब्लम है उनको दूर करने का काम करेंगे? एक तो महिलाओं के लिए सुरक्षा सबसे पहले है, कानून व्यवस्था, दिन प्रतिदिन जो ये बलात्कार की घटना है जी, मर्डर है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बेरोजगार बच्चों को रोजगार देना है, ये हमारे मुख्य मुख्य जो है मुद्दे रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमने JJP और आपके संयुक्त जो कार्यकर्ता हैं नेता हैं उनसे बात की, जिलाध्यक्ष से बात की, ठाकुर साहब से, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि नवीन जैन जीत कर आते हैं तो बेरोजगार जो लोग हैं उनको जॉब दी जाएगी और शिक्षा को बेहतर बनाया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि नवीन जैन को लोग कितना मान और सम्मान दे पाते हैं। कैमरा पर्सन नवीन के साथ मैं गौरव कुमार, सत्य खबर फरीदाबाद। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।